गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था ग्रुप, जिसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके थे कि भाई बीजीय पद्धति है क्या, उसके थोड़े से हमने भाई जहां हमने क्या पढ़े थे, ग्रुपोइड पढ़ा था, लूप पढ़ा था, सेमी ग्रुप पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी हमने नॉर्मली। तो देखना आगे कि उसके आगे हमने परिभाषा कि मोनोइड क्या है, मोनोइड है क्या, कि यदि किसी सेमी ग्रुप जी कॉमा स्टार में संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो क्या है, जी कॉमा स्टार क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। सेमी ग्रुप क्या है भाई, सेमी ग्रुप की परिभाषा क्या है भाई, जी कॉमा स्टार एक ऐसी संक्रिया है जो क्या है, सहचारी हो, वो क्या कहलाता है हमारा, सेमी ग्रुप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। उदाहरण के लिए देखना कि एन डॉट मोनोइड है जबकि एन प्लस मोनोइड नहीं है। भाई एन प्लस मोनोइड क्यों नहीं है, एन डॉट ही क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास भाई नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, ठीक है। यदि डॉट के लिए बात करें, डॉट के लिए हमारे पास क्या होता है, तत्समक अवयव, डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, वन। भाई डॉट के लिए हम क्या लेते हैं, तत्समक अवयव वन। क्या पढ़ा भी था हमने कि क्या होता है हमारे पास, ए स्टार बी बराबर ई, बी स्टार ए, इस प्रकार की कुछ यदि हम फॉर्म लिखें, या ये ना लिख के हम क्या लिखें कि हमारे पास वही चीज़ आ जाए डॉट प्रोडक्ट करने पे, यदि यदि हम ए का वन के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, वन, वही चीज़ आ जाए, ए का डॉट किया वन के साथ तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ गया, वही एलिमेंट आ गया, तो ये इसका क्या हो गया, तत्समक अवयव, ठीक है। वन क्या हो गया, तत्समक अवयव। प्लस के लिए बात करें, ए प्लस, यदि ए प्लस क्या करें कि हमारे पास क्या आ जाए, दोबारा से ए आ जाए, तो ए प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तब क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, तब क्या आएगा हमारे पास, ए। कि हम क्या करें, देखना कि हम ए डॉट वन कर रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और जो कहाँ है ये ए एलिमेंट, किसके अंदर है, जी के अंदर है। जी क्या है, कोई रिक्त समुच्चय है जिसके अंदर क्या है, कोई एलिमेंट ए है। अब क्या कर रहे हैं हम, देखना कि यदि हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए जो जी के अंदर है, तो हमने क्या किया, वन के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया। वन कहाँ है, वन कहाँ है, एन के अंदर बिलोंग कर रहा है, वन कहाँ है, एन के अंदर बिलोंग कर रहा है। जबकि हम कर रहे हैं प्लस वाली संक्रिया के लिए, लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं प्लस वाली संक्रिया के लिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, क्या यदि हम प्लस वाली संक्रिया लगाएं, हमारे पास वही एलिमेंट यदि हमें लाना है, तो क्या किसके साथ प्लस करोगे, जीरो के साथ प्लस करोगे, लेकिन जीरो क्या है, लेकिन जीरो क्या है, एन के अंदर बिलोंग करता है क्या, नहीं करता भाई। जीरो एन के अंदर बिलोंग करता है क्या, नहीं करता, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो तो हमारे पास एन प्लस क्या हो जाएगा, मोनोइड नहीं है। एन प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, मोनोइड नहीं है, ठीक है। अगली देखना परिभाषा, स्टार्ट करते हैं ग्रुप कि जो तुम्हारा चैप्टर था उसी के लिए स्टार्ट करते हैं, ग्रुप क्या है, ठीक है। कि हमने अब तक जो पढ़ा था, जी कॉमा स्टार क्या है, एक बीजीय पद्धति है जहाँ स्टार प्लस माइनस डॉट जो भी ये क्या है, सारी संक्रियाएँ हैं स्टार की सारी, ठीक है। और जो हमारी ये एन ये जो होती है, ए स्टार बी यदि ये लें, ये क्या होती है हमारी, अद्वितीय होती है, ये क्या है, अद्वितीय होती है, ठीक है। ये ए स्टार भी हमारा क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। ये संक्रिया क्या है, अद्वितीय। हम फिलहाल किस किस संक्रिया के लिए बात, एक ही संक्रिया के लिए बात करेंगे, एक के लिए बात करेंगे, किसी भी हम लगाएंगे जब भाई, प्लस के लिए बात करेंगे तो प्लस के लिए, माइनस के लिए बात करेंगे तो माइनस के लिए, इस प्रकार से एक संक्रिया के लिए बात करेंगे, ठीक है भाई। हो गया हमारा मोनोइड क्या था। आगे देखना ग्रुप, कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की परिभाषा क्या है। देखो कि माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि क्या, कि जी बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाता है भाई। जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित हो तो बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाता है। क्या क्या संक्रिया हो सकती है स्टार के लिए, क्या परिभाषित है, देखना ग्रुप कब कहलाएगा, कि क्या कहलाता है, कि जी वन पहली संक्रिया को किससे डिनोट कर रहे हैं, जी वन को, जी वन ही क्यों लिया, ग्रुप का क्या है भाई, ग्रुप किससे होता है, जी से स्टार्ट, तो हमने क्या लिया, जी वन पहली प्रॉपर्टी क्या है, साचार्य वाली, कि वो क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, जो स्टार ले रहे हैं वो संक्रिया क्या होनी चाहिए, सहचारी होनी चाहिए, मतलब ए स्टार बी
का स्टार करें सी के साथ तो हमारे क्या आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आना चाहिए, जबकि सारे एलिमेंट कहाँ हैं, जी के अंदर हैं। वो हमारे सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, जी के अंदर हैं। अगला क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी कि तत्समक अवयव का क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, कि क्या कि ए स्टार ई बराबर वही आना चाहिए ए। अभी बात कर रहे थे उसी के लिए कि यदि हम डॉट के लिए बात करें तो तत्समक अवयव कितना आएगा, वन, और यदि प्लस के लिए बात करें तो तत्समक अवयव कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो ए स्टार ई बराबर क्या आया, ए, या ए स्टार ए करें तब भी क्या आना चाहिए, ए। दक्षिणावर्त करो चाहे वामावर्त, हमारे पास क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए, जबकि ए कहाँ है, जी के अंदर। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के लिए कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए भी हमने कोई दो एलिमेंट लिए जो किसके अंदर हैं, जी के अंदर हैं, तो ए स्टार बी किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। मतलब हमने एक ऐसी संक्रिया लगाई जिसके साथ हमारा क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। चाहे बी स्टार ए करो चाहे ए स्टार बी करो, हमारा क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिलोम का अस्तित्व है, अदरवाइज प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। यदि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यदि नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। ठीक है, यदि हम मान लें कि b बराबर क्या ले लें, हम a इनवर्स ले लें, तो a क्रॉस a इनवर्स यानी a स्टार a इनवर्स तो क्या आएगा, वही e आएगा। मतलब हमारा क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रतिलोम का मतलब हमने b a इनवर्स क्यों लिया, भाई a का प्रतिलोम क्या है, a इनवर्स। भाई प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, यदि ये a है तो इसकी प्रतिलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन a, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, a माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यदि डॉट प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे, जैसे ए डॉट ए इनवर्स, तो हमारे पास क्या आएगा, तत्समक अवयव। ए डॉट ए इनवर्स का मतलब क्या है, अपॉन ए, वन अपॉन ए ही तो होता है, तो ए से ए कैंसिल कटेगा, कितना आएगा, वन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास है ना डॉट प्रोडक्ट के लिए तो तत्समक अवयव क्या आएगा, वन आएगा, और प्लस के लिए जो आएगा तत्समक अवयव कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसके लिए देखा, और इसमें हम क्रम विनिमयता के लिए भी देख सकते हैं भाई कि ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। जब क्या है, सहचारी है, तो क्या वो क्रम विनिमय भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, तुम ये परिभाषा उतारो एक बार, समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल लेते हैं कि ग्रुप के लिए एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे सहचारी होगा, कैसे तत्समक अवयव का विद्यमान होगा, और कैसे प्रतिलोम अवयव की अस्तित्व की बात करते हैं। तो एक बार उतारो इन्हें, तो भाई एग्जांपल की बात करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आती कैसे हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा होगा कि स्टार पता नहीं क्या बलाए, कैसे कैसे आ रही चीज़ें, कि स्टार हम लेते हैं संक्रिया किसी के लिए, कि जहाँ पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास जी एक क्या है, एक अरिक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जहाँ स्टार संक्रिया की बात कर रहे हैं, हमारी स्टार संक्रिया क्या ले रहे हैं, हम डॉट लेते हैं, स्टार संक्रिया क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, जबकि हमें देखो क्या करना है, स्टार हमारी संक्रिया क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और तुम्हें पता है कि ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि ओमेगा क्यू क्या होता है, वन होता है। हमें लगाना है डॉट प्रोडक्ट, लगाना कैसे है, देखो पहले वन, ये ओमेगा स्क्वायर, सारी एलिमेंटों को इधर लिखा, उसी प्रकार से वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर एलिमेंटों को लिखा, और ये क्या लिया हमने, जो हमारी संक्रिया है डॉट प्रोडक्ट, वो ले लिया। ठीक है, करना किसका है, भाई इधर हमने एलिमेंट लिखे, इधर लिख लिए, अब इनका क्या करना है, गुणन करना है, डॉट करना है, डॉट का मतलब गुणा करना है, वन का वन के साथ गुणा किया तो कितना आया, वन आया। ठीक है, वन का ओमेगा के साथ किया, ओमेगा आया, वन का ओमेगा के स्क्वायर के साथ किया, ओमेगा स्क्वायर आया। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को मैं लिख रहने देता हूँ कि जहाँ हम बात करेंगे इनके लिए एक बार। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए बात की, जहाँ हमने एलिमेंटों को इस प्रकार से रखा, उन्हें क्या कर रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वन का वन के साथ करोगे कितना आएगा, वन, वन का ओमेगा के साथ किया ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का साथ किया वन का तो कितना है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
ओमेगा अगर करना है वन के साथ तो कितना आएगा, ओमेगा ही आएगा, और ओमेगा ओमेगा के साथ करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा की ओमेगा का इसके साथ करोगे ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ये कितना आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। ठीक है, ओमेगा का इसके साथ करोगे वन के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ करोगे तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना आएगा, फोर। ठीक है, यहाँ तक देखना। आगे यदि आगे हम इसे है ना इस प्रकार से सोल्व करें कि देखना, मैं मिटा रहा हूँ एक बार के लिए थोड़ा सा, फिर देखते हैं इसको आगे। ठीक है भाई, ये तुमने लिख लिया होगा प्रॉपर्टी वगैरह, तो इसकी बाकी बात करते हैं आगे कि हमने इसका क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब जहाँ ओमेगा क्यूब है, जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ क्या रख लेते हैं, वन रख लेते हैं। देखिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये इधर वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये वन। ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखोगे, एक तो ये रहा इसकी जगह वन, एक इसकी जगह वन। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा फोर को क्या लिख सकते हो कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की पावर तीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब तो कितना हो जाएगा, वन इंटू ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसमें हम बात करते हैं, एक तो कि जो हमारे पास ये लिया हमने जी, जो समुच्चय लिया है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो स्टार है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें पहले बात करते हैं हम कि तत्समक अवयव, भाई तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव क्या है भाई, तत्समक अवयव क्या है डॉट के लिए, वन। तत्समक अवयव क्या है डॉट के लिए, वन। कैसे, देखो साचार्य वाली प्रॉपर्टी की बात करें, साचर्यता की बात करें, तो क्या है हमारे पास कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, यही था। जबकि हमारे सारे एलिमेंट किसके अंदर थे, जी के अंदर, सारे एलिमेंट किसके अंदर थे, जी के अंदर। ठीक है, हमारे पास ए बी सी, तो वो देख लें एक बार के लिए। एलिमेंटों की बात करें तो हमारे पास वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके काम कर रहे हैं, ए बी सी का, तो रखते हैं इसके अंदर वन। जबकि हमारे पास ये क्या है भाई, बी क्या है, ओमेगा, और स्टार क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, वन डॉट ओमेगा स्क्वायर हो गया भाई। हमारे पास स्टार क्या ले रहे हैं हम संक्रिया, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वन डॉट ओमेगा स्क्वायर, वन डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से इसका करोगे तो ये क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट के साथ ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। यहाँ करोगे वन के साथ तो ये पूरा ही बचेगा, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब, और ये भी कितना आएगा, ओमेगा क्यूब। देख लो सेम, तो क्या कह सकते हो इसका क्या है भाई, ओमेगा क्यूब क्या है, वन, और ओमेगा क्यूब क्या है, वन। तो क्या आ गया, वन बराबर वन। तो ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है, सहचर्यता का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, जो हमने क्या लिया है, जो सेट लिया है, ये अरिक समुच्चय लिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं तत्समक अवयव की। हमें पता है कि भैया ना कि डॉट प्रोडक्ट है उसके लिए तत्समक अवयव कितना होता है, वन होता है, जो अभी हमारे यहाँ से हम प्रूव भी कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए तत्समक अवयव कितना है, वन है। तो हमारे पास तत्समक की क्या है प्रॉपर्टी भाई, ए स्टार जो ई है वो क्या होना चाहिए, ए, या ए स्टार क्या होना चाहिए, ये द ए स्टार ई बराबर ए आए, या ई स्टार बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास तत्समक अवयव क्या है, वन। तत्समक अवयव कितना है, वन। तत्समक अवयव कितना है, वन, किसके लिए, डॉट के लिए बात कर रहे हैं, संक्रिय किसके लिए, डॉट के लिए हो गया। तो देखना कि अब ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट के लिए बात करें, ए एलिमेंट हमने क्या ले लिया, वन ले लिया, तो वन का वन के साथ किया तो कितना आया, वन आया भाई, आ गया वही आ गया हमारा, ए ही आ गया। तो वन का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा,
तत्समक अवयव। तत्समक की बात कर रहे हैं तो वन का कितना हो गया, वन ही हो गया। वन का कितना हो गया तत्समक अवयव, वन ही हो गया। अब बी स्टार ई के साथ लगाएं तब हमारा क्या आना चाहिए, बी ही आना चाहिए, बी ही आना चाहिए। ठीक है, हमें पता है तत्समक अवयव कितना है, डॉट प्रोडक्ट के लिए वन है। और क्या ओमेगा के लिए बात करें, ये ओमेगा तो हमारा क्या आ गया, ओमेगा ही आ गया। क्या आ गया, ओमेगा। तो तुम यहाँ से आसानी से इसमें देख सकते हो कि देखना इस वाले की यहाँ जो हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ किया है इसके लिए कि जहाँ जहाँ वन आ रहा है, जहाँ जहाँ वन आ रहा है, जो हमने प्रोडक्ट किया है जहाँ जहाँ वन आ रहा है वो उसका क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, जहाँ जहाँ वन आ रहा है उसके लिए वो क्या हो गया, तत्समक अवयव। इसका तुम आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक बार के लिए करके देखो भाई। क्या बात कर रहे थे कि हम हमारा क्या है तत्समक अवयव को चेक कर रहे थे कि हमारा वन ही है क्या। देखो यदि हम वन के साथ वही ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा ही आ रहा है। और यदि इसी प्रकार हम ओमेगा स्क्वायर का वन के साथ करें डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो हम कह सकते हैं तत्समक अवयव हमारे पास कितना है, वन है। तत्समक अवयव हमारे पास कितना है, वन। ठीक है, हम प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम है क्या, देखना प्रतिलोम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखना ऊपर। प्रतिलोम के लिए बात करें कि हमारे पास क्या था, ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, ई, या ए इनवर्स स्टार भी क्या, इनवर्स स्टार ए भी क्या आना चाहिए, ई ही आना चाहिए। ई का मतलब क्या है हमारा, तत्समक अवयव आना चाहिए। तत्समक अवयव हम निकाल चुके हैं, इसके लिए क्या है, वन है। क्या है, वन। तो हमें क्या, यहाँ तो क्या आना चाहिए हमारा, वन आना चाहिए। ये हमें पता है, ये हमें पता है कि हमारा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। इधर तो हमें पता लग गया हमारा तत्समक अवयव कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। यदि हम ये यहाँ क्या है, वन। यदि पहले वाले एलिमेंट के लिए बात करें, ए क्या है हमारा, वन। तो वन का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें कि हमारा वन ही आ जाए, तो वन का वन के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगले वाले देखना कि हमारे पास ये क्या है, वन तो है ही तत्समक अवयव, लेकिन यदि हम ओमेगा लें, यदि हम ओमेगा लें तो किसका, ओमेगा के साथ किसका डॉट प्रोडक्ट करें कि हमारे पास क्या आए, वन आए। तो हम क्या, ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यदि हम देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें जब हमारा क्या आएगा, वन आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें, ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तब वन आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। या ट्रिविल से देखो, जो हमारा इनवर्स के लिए बात करें, यदि प्रतिलोम के लिए बात करें कि जहाँ जहाँ वन है, जहाँ जहाँ वन है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या है, तत्समक क्या हो गया, वन। तो उस वन के ऊपर वाले हमारे क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम हो जाएंगे उसके लिए। तो वन का कहाँ बना रहा है, यहाँ तत्समक अवयव क्या है, वन। तो ये बना रहा है, ये इसका प्रतिलोम हो गया। ओमेगा के लिए देखो कहाँ बना रहा है, यहाँ। तो ओमेगा के लिए क्या प्रतिलोम हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ओमेगा स्क्वायर के लिए कहाँ बना रहा है, यहाँ। तो इसका क्या प्रतिलोम हो गया, ये। तो एक बार के लिए यदि हम लिखें, यदि यहाँ ए लिखूँ और यहाँ ए इनवर्स लिखूँ, तो देखा देखो इसमें यदि टेबल बना के लिखें कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं ए के सारे। ए मान लेते हैं, हर बार निकालते हैं अलग अलग के लिए। और ए इनवर्स क्या आएगा उसके लिए, वन के लिए तो वन ही है, डॉट प्रोडक्ट वही आ रहा है, यहाँ पे वन के लिए बना रहा है। ओमेगा के लिए वन कहाँ आ रहा है, यहाँ, जबकि इसके लिए प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के लिए वन कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो इसके लिए प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ये हो गया। तो देखो वन के लिए तो वन, ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा, इसका प्रतिलोम हो गया। ये एक एग्जांपल है, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। इसके ये भी क्या है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, संक्रिया क्या है, इसके लिए भी स्टार डॉट है, इसी प्रकार से करना है। जहाँ इसके लिए भी क्या आएगा, हमें पता है प्रतिलोम तो क्या आने वाला है, सॉरी प्रतिलोम नहीं, क्या आएगा कि तत्समक अवयव, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तत्समक अवयव क्या आने वाला है, वन। तो इसके लिए तुम प्रतिलोम याद करना कि क्या क्या आएंगे। ठीक है, ये जो मैंने कराया है इसको एक बार करके देखना, उतार लेना इसे,
ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ये नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।